हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। अभी 11:45 हुआ है। आज के दोपहर के खाने में है चिकन चावल, और कैसे चिकन बनता है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये हम लोग का प्लांट में इसमें चिकन बन रहा है, जिसमें लगभग 45 से 50 लोग दोपहर का खाना में खाते हैं। सबके लिए बन रहा है, आप लोग को दिखाएंगे कैसे चिकन प्रिपेयर करते हैं। ये मार्केट से चिकन ले आए हैं, ये लगभग 6 केजी के लगभग है। अभी इसको अच्छा से पानी में साफ करेंगे, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो चिकन के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया गया है, अभी ये गर्म हो रहा है। एक तरफ ये देखिए, चावल के लिए पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, इसमें थोड़ा देर में चावल डाला जाएगा। और ये देखिए, चिकन के लिए इतना सारा प्याज कटा के रखा गया है। चिकन के लिए तेल डाल दिया गया है, इसको गर्म होने देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ में मिर्चा भी है, और इसमें गोलकी जीरा का मसाला पिसा हुआ है चिकन के लिए। ये पत्ता डाल दिया गया है, या फिर खड़ा जीरा भी डाल रहा है। और इसमें हरा लाल मिर्च भी थोड़ा डालेंगे, जिसे सोनापन अच्छा लगता है खाने में। अभी डाल दिया गया है, अब इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, इतना सारा प्याज डाल दिया गया है, अब इसको अच्छा तरीके से ब्राउन होने देंगे। अभी फिलहाल इसको मिलाएंगे अच्छा से। ये हम लोग का कुक सनातन नाम है इनका, यही बना रहे हैं चिकन। बहुत अच्छा चिकन और टेस्टी बनाते हैं। ये गाइस, खड़ा लहसुन डाल रहे हैं इतना सारा। खड़ा लहसुन का चिकन में खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे तो अभी गर्मी का मौसम है, नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, मगर कभी कभी खा लेते हैं, बहुत गर्म करता है ये। इसका टेस्ट खाने में बहुत मस्त लगता है रस के साथ। देखिए इतना सारा लहसुन, बीच बीच में प्याज को चलाते रहें जब तक कि ब्राउन नहीं होगा। देखिए कितना क्वांटिटी में ये प्याज है, कम से कम इसको 45 से 50 आदमी खाएंगे दोपहर के खाने में, इसीलिए इतना सारा प्याज डाला गया है। प्याज हल्का हल्का गलना भी स्टार्ट हो गया है और ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा देर और इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें फिर चिकन डालेंगे। प्याज हल्का हल्का गलना भी स्टार्ट हो गया है और ब्राउन होना भी स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा देर और इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें फिर चिकन डालेंगे। अच्छा तरीके से देखिए ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट था और मिर्चा वाला पेस्ट, वही डाला गया है। अभी इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे, चिकन भी डाला जा रहा है। टोटल चिकन 6 केजी के अप्रोक्स है। यार चावल भी डाला हुआ है, चावल देखिए फल रहा है ये। इधर ये आलू चोखा के लिए आलू भी छिला जा रहा है। ये दिनेश हैं, दिनेश प्रसाद कुक है। हम लोग को टोटल कुक 5 लोग हैं, जिसमें सभी 2 ड्यूटी में हैं, दिनेश प्रसाद और ये सनातन। ये देखिए चिकन को अच्छे से डाला जा रहा है, चिकन को अच्छे से साफ कर लिया गया है।
अच्छे से 10-15 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद ही कुछ और कोई मसाला डालेंगे। देखिए गाइस, चिकन अच्छी तरीके से फ्राई किया जा रहा है। अभी चिकन में पानी छोड़ रहा है। अभी और इसको फ्राई करेंगे, जो इसका चिकन से जो पानी निकल रहा है इसको सुखाएंगे। ये देखिए सब मसाला इसमें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, ये हल्दी पाउडर, इसको अलग से कटोरा में निकाल लिया गया है। इसमें पानी देते तो होल थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मसाला इसके बाद खुलता है, अच्छा लगता है खाने में। पर ये देखिए चिकन पक रहा है अच्छे तरीके से। चिकन से जो पानी निकला है इसको पहले अच्छा से सुखाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला देकर और फ्राई करेंगे। देखिए चिकन का हो गया है लगभग 10 मिनट, अब इसमें मसाला डाला जा रहा है, जो भी जितना स्पाइसी मसाला था, धनिया मसाला, मिर्चा मसाला, जीरा का मसाला, गुलकी मसाला, ये जीरा गुलकी का साथ में पेस्ट भी है, और जब चावल भी तैयार हो रहा है। यहाँ पे कोयला पे खाना बनता है ना, कोयला का तो आग जानते ही हैं, बहुत तेज होता है और मस्त इस पे खाना बनता है। ये देखिए चिकन का कलर किस तरह से निखर के कितना अच्छा आ रहा है। अभी मसाला डालने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छा तरीके से फ्राई करेंगे, कि जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन बना रहे हैं सनातन, बहुत मस्त चिकन बनाते हैं ये। ये देखिए चिकन भी बन रहा है, और इस तरफ ये चावल, चिकन का कलर अब आते जा रहा है, कितना मस्त लग रहा है। अभी और इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट लगभग। चिकन फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल के थोड़ा टेस्ट करते हैं। निकाला जा रहा है, अब थोड़ा टेस्ट करेंगे इसको। आपको किस में दे? इसमें दीजिए ना, ठीक हम दे नहीं। अब इसको टेस्ट करेंगे, अब इसमें पानी डाला जाएगा। चिकन रेडी हो गया, देखिए कितना मस्त अच्छा कलर आया है, मज़ा आएगा भैया। चिकन फ्राई हो गया, निकाल लिया है इसको, अभी थोड़ा रोटी के साथ इसको टेस्ट करेंगे। ना इसमें देखिए पानी डाला जा रहा है, आदमी के अनुसार पानी डालेंगे, आदमी ज्यादा है थोड़ा पानी रहेगा, और पानी डालिएगा ना। अभी और इसमें पानी आएगा। देखिए चिकन का कलर कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा चिकन है। चिकन में जितना पानी चाहिए था उतना डाल दिया गया है, क्योंकि आदमी लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, दोपहर में लगभग 50 के लगभग हैं। अभी इसको आराम से उबलने देंगे, 5-10 मिनट के लिए इसको रहने देंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। बहुत अच्छा ही चिकन बनाने का ट्राई किया हुआ चिकन, बहुत मस्त टेस्ट था। ये गाइज आलू चोखा के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है। प्याज और हरा मिर्चा कच्चा डाला जाएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है, और कच्चा सरसों तेल भी पका के नहीं डालेंगे आज। चिकन के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, चिकन चावल के साथ।
देखिए गाइस, अब चिकन हो गया है, तैयार हो गया है। अब इसको चूल्हा से हटाएंगे। अब चिकन पूरा प्रिपेयर हो गया है, फाइनल टच है ये। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे लास्ट में। ये देखिए, ये लास्ट में गोलकी पाउडर है। अब इसके बाद गरम मसाला डालेंगे। इनका बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाते हैं। ये देखिए, गोलकी पाउडर डाला जा अति सॉरी गरम मसाला पाउडर डाला जा रहा है। खड़ा गरम मसाला है, उसको पीसा गया है मिक्सी में। बहुत अच्छा सुगंध आने लगा है, आ रहा है। अब ये देखिए, इसको चूल्हा से हटा रहा है। ये फाइनल बनके रेडी। इधर देखिए, ये चावल, ये चिकन और ये दाल भी है। दाल भी बहुत लोग खाते हैं चिकन के साथ में भी, उनके लिए दाल भी है। अब बहुत लोग शाकाहारी भी हैं। और इधर तो ये चोखा प्रिपेयर हो रहा है, आलू चोखा। देखिए चोखा का आइटम कितना मस्त लग रहा है, बनने के बाद और अच्छा लगेगा और खाने में तो और स्वादिष्ट। ये चोखा का तैयारी चल रहा है, आलू चोखा का। और सारा खाना बन के प्रिपेयर हो गया है, चावल, चिकन, दाल, ये चोखा। ये देखिए, चोखा को अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। देखिए गाइस, ये सब लोग आ गए हैं, सब लोग हैं और कुछ भैया लोग हैं आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए, सभी लोग खा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।